subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्रूड ऑयल का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगर चार्ट, मंथली चार्ट। क्रूड ऑयल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद हुआ है 7813 पे, लगभग 218 रुपए गेन के साथ। लगभग हमने 3% की रैली देखी है ऑन फ्राइडे। अगर हम मंथली चार्ट पे देखेंगे तो क्रूड ऑयल जो है तो ट्रेड कर रहा है विद द लॉस फॉर द मंथ, और लगभग 7% डाउन है। लास्ट मंथ हमने 7% का प्रॉफिट बुकिंग देखा था, और यहाँ ऐसा लग रहा है कि लॉन्गर टर्म चार्ट पे अभी क्रूड ऑयल ने टॉप बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ मोस्टली जो है तो निचले लेवल आपको लॉन्गर टर्म में आते हुए देखेंगे, लगभग 6000 से लेकर 5000 के लेवल जो है, तो लॉन्ग टर्म में क्रूड ऑयल निचले साइड पर दिखा सकता है। तो क्लियर कट टॉप दिख रहा है 10,000 के अराउंड टॉप बना के, अभी क्रूड ऑयल जो है तो धीरे धीरे 6,000 और 5,000 के लेवल की तरफ बढ़ रहा है एज पर मंथली चार्ट। और यहाँ हम ओवरबॉट जोन से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म करेक्शन। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि लास्ट वीक क्रूड ऑयल लगभग 6% डाउन बंद हुआ है। उससे पहले हमने लगभग 4% के लॉसेज देखे थे। अभी हम जो ट्रेड कर रहे हैं वीकली चार्ट पे, तो जो 20 वीक का एवरेज है उसके नीचे बंद हो चुके हैं, और हम धीरे धीरे जो 50 वीक का एवरेज है 7000 के अराउंड उसके तरफ बढ़ रहे हैं। तो आने वाले हफ्तों में क्रूड ऑयल की जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 7000, उसके बाद में 6000 और लास्ट में 5000। ये टारगेट आपको एक के बाद एक आते हुए देखेंगे। तो यहाँ मेरी जो सलाह रहेगी वो सेल ऑन राइज रहेगी। जब तक क्रूड ऑयल 8300-8350 का लेवल क्रॉस नहीं करता है, तब तक मेरा जो व्यू रहेगा क्रूड ऑयल पे वो सेल ऑन राइज रहेगा। नीचे 7000, 6000 और 5000 की टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन मीडियम टू लॉन्गर टर्म में। तो ये रहा वीकली चार्ट का एनालिसिस। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने 200 डेज का जो एवरेज है उसको टच करने के बाद यहाँ बाउंस बैक दिया है। तो ये बाउंस बैक एक्सपेक्ट ऊपर की तरफ जो है तो 8300 की तरफ बढ़ सकता है शॉर्ट टर्म में। यहाँ जो है तो क्रूड ऑयल ओवरसोल्ड लग रहा है, और यहाँ से एक बाउंस बैक आने की संभावना है जो इसको लेकर जाएगा 8300 से लेकर 8350 तक। 8350 के अराउंड जो है तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल में। अगर हम 7300 के नीचे स्लिप करते हैं तो आपको एक डाउन साइकिल शुरू होते हुए दिखेगा लोअर टॉप लोअर बॉटम का। तो यहाँ क्रूड ऑयल पे शॉर्ट टर्म जो है तो 7300 के नीचे आपको एक अच्छी खासी डाउन साइड ओपन हो जाएगी। करंटली मेरा व्यू है शॉर्ट टर्म में कि आपको जो है तो बाउंस बैक पे शॉर्ट करना है क्रूड ऑयल को। यहाँ ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो है 8050 और उसके बाद में 8350। तो इन लेवल पे आता है क्रूड ऑयल तो हम शॉर्ट करेंगे। मोस्टली जो मेजर पोजीशन रहेगी वो शॉर्ट साइड पर रहेगी, बाकी जिनके पास नीचे के लेवल पे लॉन्ग बनाए है उन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है 7600 के नीचे, और जो आपके टारगेट रहेंगे वो 8050 उसके बाद में 8350 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई विल मोस्टली प्रीफर शॉर्ट साइड, क्योंकि जो वीकली और मंथली चार्ट में मोमेंटम है वो डाउन साइड पे है, तो आई विल लुक फॉर शॉर्ट ट्रेड। और यहाँ जो है तो जिनके पास नीचे लॉन्ग पोजीशन है उन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। मैं फ्रेश लॉन्ग नहीं बनाना पसंद करूँगा ऑन पोजिशनल बेसिस। इंट्राडे में कर सकते हैं हम, तो उसके लिए हम जो है तो आवरली और 15 मिनट के चार्ट देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि यहाँ लॉन्ग कहाँ करना है। और जो टारगेट रहेंगे हमारे वो ऊपर की तरफ 8050 उसके बाद में 8350 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन शॉर्ट टर्म। तो हमने डेली चार्ट पे देखा यहाँ क्लियर कट बाउंस बैक हो रहा है क्रूड ऑयल का, और ऊपर के टारगेट है 8050-8350। वीकली चार्ट पे देखा तो वीकली चार्ट पे आपको जो है तो करेक्टिव पैटर्न है, यहाँ सेल ऑन राइज भी हो रहेगा, नीचे जो है 7000, 6000 और 5000 के टारगेट है। मंथली चार्ट पे यहाँ लॉन्गर टर्म टॉप ऐसा लगता है कि बन चुका है, और यहाँ जो है तो हम 6000 से लेकर 5000 के जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो हम देख सकते हैं इन क्रूड ऑयल। सो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉर्ट कमोडिटी कॉल चाहिए
ऑन व्हाट्सएप विथ लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलो, तो मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।